चैत्र नवरात्र की कल से शुरुआत हो चुकी है, मगर पिछले साल की तरह इस बार भी मैहर में मां शारदा के कपाट बंद रहेंगे। नवरात्र में भक्तों से गुलजार रहने वाली मां शारदा की नगरी भक्तों की मनाही के बाद वीरान रहेगी। इतिहास में पहली बार देवी के 52 शक्तिपीठों में शुमार मां शारदा के कपाट बंद हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर में पहले दिन से ही मां शारदा के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए तीनों रास्ते सील कर दिए गए हैं। जो मैहर धर नवरात्र लाखों लाख भक्तों से गुजार रहता था, वे आज वीरान पड़ा है। तस्वीरों के जरिए देखिए कैसे दूर दूर तक सन्नाटा है। एक अनुमान के मुताबिक हर नवरात्र यहाँ कम से कम 18 लाख श्रद्धालु पहुँचते थे, मगर आज वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की बदौलत यहाँ वीरानगी हुई है। शारदा प्रबंधन समिति के केवल कर्मचारी हैं जो साफ सफाई में लगे रहते हैं। मालूम है भैया, लेकिन मंदिर बंद हो जाए तो हम लोग भूखे मर गए, बताओ। 6 महीने तो ऐसे भूखे मर गए, लॉकडाउन लग गया। कम से कम माँ के दरबार खुला तो 9 दिन तो कमा लेने दें। अपने अपने बच्चे को कहाँ पालेंगे, बताओ? कैसे पालेंगे, किस तरीके से पालेंगे? हमारा लोग तो रोजी रोटी ये है ना, दूसरा तो नहीं है कोई, ना कोई बिजनेस है, ना कोई नौकरी है, सिर्फ कमाना खाना है हम लोग के। अरे तो कोरोना फैला, साल भर से कोरोना फैला है ना, अभी पेड़ के कोरोना कहाँ से जाए? ये कोई देख रहा है कि अंदर मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं कि दुखे मर रहे हैं, हाँ कि खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, बस कोरोना कोरोना कोरोना। सरकार स्थगित कर दिया गया है, क्या मतलब? कोरोना का संक्रमण बढ़ने के कारण मध्य प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में जो नवरात्र में लगता है उसे 13 अगस्त तक स्थगित किया गया है। इसी तरह माँ शारदा मंदिर में भी दर्शनार्थियों के लिए पट 13 अगस्त तक बंद रहेंगे, सिर्फ पुजारी ही पूजा करेंगे। कोरोना को लेकर और मंदिर प्रशासन को भी कोई अलर्ट जारी किए गए हैं? सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वो मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का पालन करें, समय पर हाथ धोते रहें, क्योंकि ये जो संक्रमण है काफी तेजी से फैल रहा है, ये सिर्फ अपने बचाव से ही होगा। जब स्वयं सुरक्षित होंगे तभी लोग सुरक्षित हो पाएंगे। लॉकडाउन से क्या लॉकडाउन बढ़ने की संभावना है? ये प्रश्न केस जो निकलेंगे उस पर विचार किया जाएगा, अभी बारे कोई बात नहीं।